दो बातें मैं आपकी आपके जवाब से निकली है आदित्य, मैं अगर सही समझाऊं तो बताइएगा। अजीत जी ने भी जैसा कहा कि ये बैन होंगी इसकी चर्चा नहीं है, रेगुलेट करने की बात हो रही है। फर्ज करें बैन भी हो जाती है कुछ क्रिप्टो करेंसीज, तो जो उनके निवेशक हैं उनको कोई ना कोई एग्जिट रूट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि भारत में वो करेंसी बैन होने से वो क्रैश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपका पैसा जो है वो मिट्टी हो जाएगा। क्या मैं ठीक समझा? हाँ, देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है ना, स्पेशली बिटकॉइन, तो बिटकॉइन क्या मतलब, ये जो पूरा एसेट और पूरी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर रहने वाली है। जितना अभी हमने देखा है, अगर बिल की भी बात करेंगे तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ ये चीज़ बोली है, जब उन्होंने ये बोला है कि ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ बैन कर देंगे, हम देखेंगे फिनटेक में यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती। तो फिनटेक में ग्रोथ चाहिए तो क्रिप्टो करेंसी को बैन करके वो चीज़ नहीं हो सकती। तो ये जो अभी थोड़ा सा पूरा डाउट मार्केट के अंदर है, जहां पर ये लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी बैन होगा, ये चीज जो है आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगी जब एक बार यहाँ पर जो बिल है वो सामने आ जाएगा। एंड फिर भी अगर ये मान लेते हैं कि चलिए वर्स्ट केस में यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात भी होती है, तो यहाँ पर जैसे प्रीवियस बैनिंग का जो ड्राफ्ट आया था वहां पर भी अगर आप देखते तो मेंशन किया था कि अगर ऐसा कुछ बैन होता है, कोई भी चीज होती है, तो 3 से लेकर 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। ये डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी देखते हैं कि अगर कोई स्टेप गवर्नमेंट लेती है तो टाइम हमेशा देती है, ऐसा नहीं कि रातों रात बैन हो जाएगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता, जिस तरह से मैं चीजें देख रहा हूं, जो सवाल का अगला हिस्सा था वो ये कि मान लीजिए सरकार कह देती है कि फला फला करेंसीज हम बैन कर रहे हैं, तो उसका उसकी कीमत तो गिरेगी ना? नहीं, अगर बैन करती है तो देखिए सरकार अगर बोलती है तो हाँ कीमत तो गिरेगी इंडिया के अंदर, लेकिन बाकी जो कंट्री वहां पर तो चलेंगे ना। अब आप पूरी दुनिया देखेंगे, चाइना का छोड़ के आप जितने ऐसी कंट्रीज है जो इनोवेटिव कंपनीज बना रही हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो तो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि नेक्स्ट इनोवेटिव चीजें हमको क्या बनानी है। ठीक, तो आने वाले टाइम पे जो नेक्स्ट गूगल फेसबुक होंगे वो तो बाकी कंट्रीज उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर रही है। इसी से अगला सवाल निकलता है रचित, मान लीजिए मैंने यहाँ भारत के किसी एक्सचेंज से कोई करेंसी खरीदी हुई है क्रिप्टो करेंसी, और वो सरकार कहती है अब ये नहीं चलेगी भारत में, इसको हम बैन कर रहे हैं, तो क्या मैं उसको किसी और एक्सचेंज पे किसी और देश में बेच सकता हूँ? सौरभ जी, बिल्कुल आप बेच सकते हैं। इस करेंसी का एक फायदा यह है कि ये ग्लोबल करेंसी है, ये किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से रेगुलेटेड नहीं है। जैसा चाइना में बीच में बैन हुआ था तो थोड़ी वॉलिटिलिटी जरूर आती है, एंड हर एक एसेट क्लास में आती है। आप भले स्टॉक से कंपेयर कर लीजिए, तो स्टॉक्स में भी ऐसा देखा गया है कि अगर कोई सेलिब्रिटी किसी स्टॉक को गलत एंडोर्स कर देता है तो अगले दिन वो बाजार में उसका इफेक्ट दिखता है, वो स्टॉक क्रैश होता ही होता है। सिमिलरली वॉलिटिलिटी इस एसेट क्लास में चलते रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई में ऑटोमेटिकली प्राइजेस फ्लक्चुएट करेंगे। बट डेफिनेटली आपको मौका दिया जाएगा उस एसेट क्लास से एग्जिट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बोल दिया कि आज बैन हो गई तो आप उसको बेच ही नहीं पाएंगे। आप एक करेंसी जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है उससे डील कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर सौरभ जी उसकी एक्सचेंज इंडिया में है तो डेफिनेटली एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में करेंसी ट्रांसफर हो सकती है। ये ऑलरेडी सुविधाएं दी गई है उस करेंसी में कि वो एक्सचेंज, अगर लोकल एक्सचेंज से उन्होंने खरीदा है, वो ग्लोबल एक्सचेंज जैसे बाइनेंस है, उस तरीके के एक्सचेंजेस में करेंसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये विद इन सेकेंड्स होता है, इसका कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, ये विद इन सेकेंड्स आपके कोड्स के थ्रू इजिली हो सकता है। चलिए ठीक है, तो मैं अब क्योंकि इतनी बात हो गई और अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि निवेशक हैं, तो आप सबकी ये राय है कि फिलहाल पैनिक ना करें, पैनिक सेलिंग ना करें और इंतजार करें क्या कानून आने जा रहा है। अगर आपकी करेंसी पर कोई असर होगा भी तो ऐसा नहीं है कि आपकी रातों रात आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी, आपको कोई ना कोई एग्जिट रूट दिया जाएगा। अजीत जी, यही बात है? देखिए, पहली बात समझिए कि अगर पैनिक में कोई बंदा 10-20-25% के नुकसान से चीज बेच रहा है तो समझना जरूरी है कि कोई खरीद भी रहा है, क्योंकि आप कोई खरीदना हो तो आप बेच नहीं सकते। तो इसके लिए भय, आशंका और अनिश्चितता के रहते हुए आप डर के बिना समझे चीज बेच रहे हैं। मैं हमेशा से लोगों को कहता हूं कि रिसर्च कीजिए, समझिए, फिर खरीदिए। मगर आज मेरी नसीहत है वो बिल्कुल उल्टी पड़ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि सोच समझ के रिसर्च करके जान के फिर बेचिए, उसके पहले भय के अंदर ना बेचिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।